चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। भोजपुरी की सुपरस्टार और अपने अभिनय से सभी के दिलों को जीतने वाली अनारा गुप्ता ने हर साल की तरह इस साल भी अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। इस बार अनारा गुप्ता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट तो किया, लेकिन साथ ही साथ लोगों की मदद भी की। दरअसल जब अनारा गुप्ता अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की चर्चा अपने दोस्तों और मशहूर समाज सेविका बबीता वर्मा के साथ कर रही थी, तभी उन्हें मेडिकल कैंप लगाने का आइडिया दिया गया, जिसे सुनकर अनारा गुप्ता काफी उत्साहित हुई और उन्होंने तुरंत इस चीज के लिए हामी भर दी। मैं सच बताऊं आज बहुत पॉजिटिव हूं, अंदर से बहुत अच्छा फील कर रही हूं। पार्टीज, डांस, मस्ती, फ्रेंड्स, ये सब चलता रहता है। मुझे लगता है कि हम रोज वो चीज़ एंजॉय करते हैं, और जैसे कि गणपति चल रहा है तो मिलना मिलाना तो हो ही रहा है सबसे। बट इस तरीके से अपने बर्थडे का इनिशिएट लेना कि मेडिकल कैंप लगाना, क्योंकि लोग कई लोगों को ऐसा पता भी नहीं चलता कि उनको कोई बीमारी हो जाती है। तो आज बहुत लोग आए, सबने बहुत चेकअप कराया, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स जो हैं, हीरोइंस हैं, वो स्पेशली आई, वो अपना चेकअप करा के गई हैं, तो अच्छा लग रहा है। और मुझे लगा कि ये बेस्ट बर्थडे है। आंखों का चेकअप हो रहा है, जिसमें पर्सनली मैं अभी चेक करवाऊंगी डॉक्टर को। लास्ट में मैंने बोला कि आपको सबसे लास्ट में मैं चेक कराऊंगी। आंखों का है, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, शुगर का, बीपी चेक कर रहे हैं, और भी बहुत सारे चेकअप है, बहुत सारी चीज़ें, बॉडी, फुल बॉडी चेकअप हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और जिस चीज़ की ज़रूरत उनको पड़ रही है उनको हम फ्री दे रहे हैं। जैसे आँखों का चेकअप चल रहा है तो हम चश्मा फ्री दे रहे हैं सबको, उस हिसाब से। सुबह बहुत डर, रात को बहुत डर लग रहा था जब बारिश नॉन स्टॉप चल रही थी, और सुबह भी मैं उठी और मैंने गणपति बप्पा के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा भगवान रोक लो। बीच में रुक भी गई थी, लेकिन हाँ जितनी स्पीड से बरस रही थी उतनी स्पीड से तो नहीं बरस रही है। और सब लोग आए, बहुत लोग आए, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स आई इंडस्ट्री से, बहुत लोग आए, राजपाल यादव जी ऑन द वे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो मुझे जो लोग आज आ गए वो मेरे दिल पे घर कर जाएंगे, क्योंकि इतनी बारिश होते हुए भी सब लोग इतनी दूर दूर से आए हैं इस मेडिकल कैंप में हिस्सा लेने के लिए और मुझे बर्थडे की ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स टू मीडिया कि वो भी, क्योंकि आज बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ के घर पर भी गणपति विसर्जन है, उसके बाद फिर सब इवेंट्स भी होंगे, उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे आके इवेंट पूरा कवर करना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज अनारा का जन्मदिन है, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है, खुशी की बात क्या हो सकती है। और जब जन्मदिन मनाने का चल रहा था तो करण अनारा ग्रुप पार्टी करेंगे, ये करेंगे, तो हमने बोला कि अपनी एनजीओ है और जन्मदिन का मतलब एक खुशी का समय रहता है और यहाँ हम लोग सबके आशीर्वाद लेते हैं। तो हमने बोला कि एक ये कर सकते हैं कि हम लोग एक मेडिकल कैंप लगाते हैं, और उसमें क्या होगा, लोगों को अपन चेकअप करवाएंगे, फ्री में चश्मा देंगे, फ्री में उनका शुगर, और आजकल स्वास्थ्य को लेके लोग बहुत परेशान होते हैं। हमने बोला अपन एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं और इससे हमारे को आशीर्वाद मिलेगा और अच्छा भी हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने तैयारी करी कि हाँ चलो ठीक है, मम्मी आपने बोला है तो अपन लोग अपने एनजीओ की तरफ से एक अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बड़ी खुशी की बात है कि इतनी बारिश बॉम्बे में रहने के बावजूद भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ भीड़ कम नहीं हो रही है। सही बताऊं तो वो चीख पड़ी थी खुशी के मारे कि माँ क्या मेरे बर्थडे में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो हमने बोला हाँ बेटा क्यों नहीं हो सकता है, अपन लोग जरूर इस कार्यक्रम को करेंगे और फंक्शन अपना बिल्कुल सक्सेस होएगा। तो बहुत खुश हुई, इसने सभी को फोन करके बताया कि मेरे बर्थडे पे माँ ने एक हेल्थ चेकअप कैंप रखा हुआ है अपने एनजीओ की तरफ से। उसका रिएक्शन देख के इतनी खुशी हुई कि काम करने की मेरी क्षमता 4 गुना बढ़ गई। बहुत बहुत आशीर्वाद है एक माँ के तरफ से, और अनारा करण इन लोग अब बहुत अच्छे से अपनी जो इंडस्ट्री की लाइन है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मेरी हर तकलीफ को दूर करते हुए ये बच्चे आगे बढ़े, ये मेरी बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं और बहुत आशीर्वाद है।